आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने वाले हैं वो हिंदुस्तान की एक भरोसेमंद कौम से संबंध रखते हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो हिंदुस्तान की आवाम को पसंद नहीं आ रहा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चौकीदार की जिस पर ऑन ड्यूटी दो कत्ल का संगीन आरोप लगा है। आप पर आरोप यह भी है कि आपकी ड्यूटी जहां पर भी लगी है, जिस बिल्डिंग सोसाइटी जहां पर भी, वहां पर चोरी और स्नैचिंग का सिलसिला बढ़ गया है। क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि आपका लोकल चोरों के साथ साठगांठ है? आपने किस बेसिस पे अपनी बहन का रिश्ता फिक्स किया? अगर मैं मोटा मोटी अनुमान लगाऊं तो यहाँ पे 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, जो कि आपको करीब से करीब 3 या 4 महीने के अंदर 6-7 लाख रुपए का बंदोबस्त करना था। तो आपके इनकम का वह दूसरा कौन सा स्रोत है जिस पर आपको इतना भरोसा था कि आप 2-3 महीने में 6-7 लाख रुपए का इंतजाम कर लेंगे? आप सोसाइटी की प्राइवेट जानकारियों को लीक करते हैं, जिससे वहां पर जो भी चोरियां होती है उसमें चोरी के माल में बराबर की हिस्सेदारी आपकी बनती है। मैं सिर्फ अपनी बात रखूंगा और जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि किसी की बातों में आ जाए। अगर इस तरह के आरोप मुझ पर लग रहे हैं तो मुझे अपनी सफाई में उस रात की पूरी कहानी बतानी पड़ेगी।